Hey everyone, this is Sheeta Sharma, your GAG के faculty on Olive Board and welcome to Olive Board guys. आज के session में हम लोग discuss करने वाले हैं IBPS PO जो है. अभी आपको पता तो होगा कि IBPS का calendar out हो गया था. उसके बाद में यहाँ पर IBPS ने अपनी तरफ से जो यहाँ पर main main exams हैं, जितने exam यहाँ पर conduct करता है IBPS, उन सभी के dates जो है tentative dates वो निकाल दिए थे. ये सब लोग जानते हैं. लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ IBPS PO की, ठीक है, तो IBPS PO जो है उसके लिए जो डेट्स निकाली गई हैं दैट इज़ दिस वन, ये वाला, यानी कि जो आपके प्रिलिम्स हैं IBPS PO का, प्रिलिम्स के डेट जो है वो पता है कब है? वो है 19th और 20th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है, यानी कि 19 और 20 अक्टूबर को आपका IBPS PO का प्रिलिम्स का डेट रखा है. अब बात आती है कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आउट हो जाएगी. सो गाइज, नोटिफिकेशन इसका आउट हो जाएगा बाय जुलाई 2024 तक बोल रहे हैं. जुलाई 2024 तक इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा. आप लोग उसके बाद में अप्लाई कर पाओगे एंड आपका जो एग्ज़ाम साइकिल है IBPS PO का प्रिलिम्स के साथ में 19th एंड 20th ऑफ अक्टूबर को शुरू होगा. और जो आपका मेंस है वो मेंस आपका शेड्यूल्ड है 30th ऑफ नवंबर को, ठीक है, यानी कि 30 नवंबर 2024 को आपका IBPS PO का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो शेड्यूल है. तो अभी क्या चल रहा है? मार्च चल रहा है, ठीक है, तो मार्च से अक्टूबर तक का आपके पास में टाइम है, ठीक है. तो आपका पूरा मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, फिर अगस्त, इस टाइप से आपका सितंबर, अक्टूबर, तो आपके पास में लगभग 7.5 महीने के अराउंड है जिसमें आप प्रिलिम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. अगर आप IBPS PO को अभी से टारगेट करते हो तो यू हैव गुड चांसेस, यू हैव गुड डिसेंट टाइम जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो. और अगर आपने इस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि IBPS PO से पहले आपका जो यहाँ पर क्लर्क है वो यहाँ पर शेड्यूल है, आपके यहाँ पर जो RRB के एग्ज़ाम है, RRB PO, RRB क्लर्क, वो भी आता है. तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स दे रहे होते हो तो उसमें ना लास्ट में इतना आपको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम्स वहाँ पर आते रहते हैं. कभी किसी का आप प्रिलिम्स दे रहे हो, किसी का मेंस दे रहे हो, तो इस टाइप से आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है. तो अभी जो ये आपके 4-5 महीने हैं, यानी कि मार्च से लेकर, जो आपके पास में मार्च से लेकर स्पेसिफिकली जुलाई तक का जो टाइम है ना, ये आपका बेस्ट टाइम है यहाँ पर, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो. अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, ठीक है, और चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते अच्छे से हो, स्पेशली जो आपके वीक पॉइंट्स पे काम करते हैं. अब जो है बिगिनर, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है. वो क्या कर सकते हैं, मार्च मंथ में आपको बिगिनर्स को, जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न देखना है, आपको पैटर्न एनालाइज करना है, आपको सिलेबस देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना शुरू करना है, साथ साथ प्रैक्टिस शुरू करना है. और जब एक बार आप मार्च के अंदर अच्छे से पैटर्न देख लेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस लगाने लग जाएंगे, तो जो आपके पास में अप्रैल और मई है इसमें आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करो, ठीक है. तो इसके लिए आप कोई फाउंडेशन कोर्स वगैरह ले सकते हो, किसी भी आपका जो चैनल है, हमारा YT चैनल है ऑलिव बोर्ड का, तो ऑलिव बोर्ड ऐप भी है, तो आप ऑलिव बोर्ड ऐप पर जाओगे ना, तो वहाँ पर हमारे फाउंडेशन कोर्सेज हैं, बैंक फाउंडेशन कोर्स है, वो आप ले सकते हो. तो उससे क्या होगा कि जो आपका टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज क्वेश्चंस देखने में किस टाइप का आता है, वो ऑलरेडी टीचर्स उस टाइप के स्पेशली डिजाइन कोर्सेज आपके लिए लाते हैं, तो वो आप देख सकते हो. और जब भी आप कोई भी पेड कोर्स परचेज करते हो, मॉक टेस्ट परचेज करते हो, कुछ भी परचेज करते हो ना ऑलिव बोर्ड पर, तो ये शीतल कोड जो है ना ये याद रखना, SHEETAL, शीतल, ठीक है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका IBPS PO का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. देखो, अगर मैं बात करूँ तो IBPS PO बनने के लिए आपकी एक तो होती है आपकी मेन इंपॉर्टेंट एज. इसमें एज जो है वो आपकी है 20 से 30 साल एज है, यानी कि 20 से 30 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए. आप 20 ईयर्स से लेस देन नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 30 ईयर्स आपकी एज नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. बट सर्टन कैटेगरीज में आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है. जैसे अगर आप SC ST से
कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर्स का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन 5 ईयर्स का, विडोज एंड डाइवोर्स वुमेन को 9 ईयर्स का, और भी बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको डिफरेंट टाइप से मिलती है, बट जिन जो इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं उनके लिए एज है 20 से 30 ईयर्स के बीच में। फिर ना आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के तौर पर ग्रेजुएशन चाहिए होता है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो। अब ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी स्ट्रीम से हो आप, ऐसा कोई स्ट्रीम एज सच डिज़ायरेबल स्ट्रीम नहीं है। और यहाँ पर IBPS PO जो है इसके अंदर ये आपसे पूछता है कि आपके पास में कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए, यानी कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम नेसेसरी है। क्योंकि एक तो आपका IBPS PO का एग्ज़ाम जो होता है प्रिलिम्स और मेंस, ये दोनों ही आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए भी आपको यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी ऑब्वियस है। वैसे भी आपको वहाँ पर बैंक में भी कंप्यूटर्स पे बहुत काम करना पड़ता है, तो आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी एक अच्छी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। वो वहाँ पे पूछता भी है एप्लीकेशन में। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वर्बल एंड रिटन प्रोफिशिएंसी, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी स्टेट या यूटी की होगी दैट इज़ डिज़ायरेबल, एंड एटलीस्ट आप यहाँ पर, वो पूछता भी है कि कौन कौन सी आपको यू नो लैंग्वेजेस नोन हैं, और उसमें ये भी पूछा होता है रीड राइट स्पीक, इनमें से क्या क्या कर सकते हो आप इस लैंग्वेज के साथ में, ठीक है, वो अलग चीज़ है। इधर अब बात करते हैं कि IBPS PO का जो एग्ज़ाम है ये कैसे होता है। ये इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेज में सबसे पहली होती है ऑनलाइन आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। दूसरा होता है आपका मेंस का एग्ज़ाम। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, आपको बस क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद में आप देते हैं यहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम। और तीसरे नंबर पर आता है आपका इंटरव्यू। जब आप मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और फिर उसके बाद में आपका जो मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के यहाँ पर मार्क्स होते हैं, जिसमें 80% मेंस के और 20% इंटरव्यू के मार्क्स को इंक्लूड करके बनाया जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, और उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। सो फाइनल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन कैंडिडेट कंबाइंड परफॉर्मेंस इन IBPS PO मेंस एंड इंटरव्यू राउंड्स। तो आपके लिए ये दोनों राउंड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है मेंस देने के लिए, उसके मार्क्स कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू है कि IBPS PO का जो एग्ज़ाम है ये कैसे होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि IBPS PO का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। और इस टाइप की ढेर सारी वीडियोस के लिए जुड़े रहें ऑलीबोर्ड YT चैनल पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।